अभी मुझे पुलिस वाली ने सड़क पे पकड़ ली और मुझ पे फाइन करने लगी। बोलती है, 2 बजे क्यों बाहर हो तुम? मैंने बोला, खाना खरीदना है। इटालियन मुझे बोलनी ही नहीं आ रही। सारी इटालियन मेरी भाग गई है 1 मिनट में। यूजुअली मैं खाना रेस्टोरेंट से खा लेता हूँ, कोई भी हलाल रेस्टोरेंट हो या कहीं भी से भी पिज्जा या कुछ भी रोज खा लेता हूँ। मैं घर पे खाना कभी भी नहीं बनाता, बहुत रेयर होता है कि मैं घर पर अपने लिए खाना खुद से बनाऊँ। मगर अभी मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ कि मैं घर जाके वो बनाऊँ फिर। और मुझे घर पे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं अकेला रहता हूँ ना, तो अगर मैं अकेला अपने घर पे खाना खाता हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है बाहर से खाने से। क्योंकि बाहर से एक कबाब मुझे 3 यूरो का मिलता है और अगर मैं घर पे खाना बनाता हूँ तो वो 5 यूरो का बनता है। मगर घर पे खाना बनाने की एक खास वजह है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, इटालियन लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। और पिछली वीडियो मेरी डीमोनेटाइज हो गई थी क्योंकि इस बीमारी के बारे में आप ज़्यादा ऑनलाइन बात नहीं कर सकते, और प्रॉब्ली ये वीडियो भी मेरी डीमोनेटाइज हो जाएगी। मगर मैं फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इटालियन लॉकडाउन कैसा है इस टाइम। ये इस शहर का मेन प्याजा है जो अपनी चहल पहल की वजह से हर वक्त मशहूर रहता है, और आज यहाँ कोई बंदा नहीं है, एक भी बंदा सड़क पे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये शहर का मेन सेंट्रम है जो कि कभी खाली नहीं होता, जो कि आप लोग मेरे बहुत सारे व्लॉग से पहले देख चुके हैं, मगर आज ये भी खाली है और फवारा चल रहा है सिर्फ। और मेरे पीछे हमारे शहर का सिनेमा है, वाहिद सिनेमा, और यहाँ हर वक्त रश लगा रहता है फिल्मों की वजह से, क्योंकि सिर्फ एक ही है ना, मगर आज ये भी बंद है। एक्चुअली पूरा शहर ही बंद है। अभी अभी मुझे पुलिस वाली ने पकड़ लिया था और वो मुझ पे फाइन करने लगी थी। बोल रही थी, तुम अपने घर से बाहर क्यों हो और तुम्हारे पास पेपर क्यों नहीं है जिसमें रीजन लिखा हुआ है कि तुम इस वजह से घर से बाहर जा रहे हो? और मैंने बोला, बहन जी घर पे खाने को नहीं है और खाना खरीदने बाहर आया हूँ, तो इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। तो अगर आप बगैर इजाजत के घर से बाहर भी निकलोगे तो आप पे फाइन होने के इंकशाफात हैं। सीधा सीधा 290 का फाइन होना था, 293 का फाइन पड़ता है अब जो भी कर्फ्यू के टाइम के बाद बाहर निकले। वैसे कर्फ्यू का टाइम एंड होने वाला था तो मैं बाहर निकल गया, इसलिए उसने नहीं करा, वरना अगर कर्फ्यू के टाइम के बाद निकलो बाहर, भले कुछ भी हो जाए, वो आप पे फाइन जरूर करते हैं। पूरे शहर में सिर्फ एक दुकान खुली हुई है और यहाँ भी बाहर लाइन लगी हुई है और सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दुकान में एक से ज़्यादा बंदे को अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो वो उन पे फाइन कर देगी। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ, फाइन ना कर दे यार कोई, देख लो, आ जाओ। थैंक यू ब्रो, आधा किलो चिकन दे देना यार। और अगर दुकान वाले मास्क नहीं पहने हुए तो उन पे भी फाइन हो जाएगा, क्योंकि दुकान वालों को ज्यादा सिक्योरिटी। आपको मैं ब्लर कर दूंगा, आपको शक्ल नजर नहीं आ रही है वैसे भी, मगर दिखाना जरूरी है कि दुकान वालों को भी ये वाला मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना जरूरी है, वरना इन पे भी फाइन हो जाएगा। हम लोग अगर ना पहने तो चलता है, मगर जो भी दुकान वाले रिटेलर्स हैं उनको ये पहनना जरूर है, और पूरे शहर में खुली हुई एक दुकान है तो ये भी नहीं पहनेंगे तो कैसे चलेगा ना। मुझे रोटी असल में पकानी आती नहीं है ना, तो ब्रेड से काम चलाना पड़ता। और इटली में इस टाइम आप अपना शहर भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस शहर में आपके रेजिडेंस है, उसी शहर में आप सिर्फ रह सकते हो। अगर आप उस शहर के बाहर बगैर परमिशन के या किसी सॉलिड रीजन के निकले तो भी आप पे बहुत फाइन हो सकता है। ये भी जो स्पीच दे रहे हैं ना अपनी गाड़ी में सायरन से, ये बोल रहे हैं कि अपने घर जाओ, आप कर्फ्यू का टाइम शुरू हो गया, अब आप अपने घर से बाहर प्लीज नहीं निकलें वरना आप पे फाइन भी हो सकता है। ओके, तो वैसे भी मेरा घर आ गया है तो अब मैं घर जाता हूँ, मैं खाना बना के और खा के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सही है, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। वैसे असल में सच्ची बात बताऊँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर क्या करें, आजकल इटली में लॉकडाउन चल रहा है और ये है मेरी लॉकडाउन की लाइफ। बीबीसी का मैंने आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें बोल रहे हैं जैसे कि चाइना का लॉकडाउन चल गया है और वहां सारे लोग कोरोना शुरू हो गए, वैसे इटली का भी लॉकडाउन जल्द सही हो जाएगा और यहाँ भी इंशाल्लाह लोग सही होना शुरू हो जाएंगे। मगर अभी तक की सारी रिपोर्ट ये है कि सारे ऑफिसेज, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर चीज, सारे ऑफिसेज बंद हैं और उन लोगों को खुलने में, नया रूल आने में 3 अप्रैल का तक का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 अप्रैल को वो नया रूल जारी करेंगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि आप लोग बाहर जा सकते हो या नहीं, या अब अगली क्या उनका स्टेप होगा या अगला क्या मेजर होगा। इनफैक्ट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए मैं 2 महीने से पिछले इंतजार कर रहा था, लिटरली 2 महीने से, और जिस दिन वो मीटिंग थी उसी दिन लॉकडाउन हो गया और उसी दिन वो मेरी मीटिंग नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं मुझे कि आप 3 अप्रैल को नए रूल का इंतजार करें, फिर नया लॉ आएगा, गवर्नमेंट एक नया स्टेटमेंट देगी और फिर पता चलेगा कि आपकी मीटिंग 3 अप्रैल के बाद होगी अगर कंट्री की सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई, वरना और वो फर्दर डेट देंगे और फिर उस डेट
को मेरी मीटिंग होगी और तब तक के लिए मैं इटली में फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली मुझे इस महीने जर्मनी जाना था, पूरा प्लान था कि इस महीने मैं वापस जर्मनी चला जाऊंगा, मेरा यहाँ काम खत्म होने वाला था, मगर अब मुझे फर्दर थोड़े और दिन इटली में रहना पड़ेगा और मैं इटली से सच्ची बात है काफ़ी बोर हो चुका हूँ अब तक, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा कुछ करने को नहीं है और पूरा दिन घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, और अगर आप बगैर किसी वजह के बाहर निकलोगे तो हाँ आप पे पोटेंशियली फाइन भी हो सकता है। तो ये सीन है लॉकडाउन का मेरे मुल्क में, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के मुल्क में क्या क्या सीन है और कैसे कैसे हालात चल रहे हैं। और हाँ, जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में नई अपडेट्स आती जाएंगी मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट करता जाऊंगा, तो इसलिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा और आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो मैं ये वीडियो पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कॉमेंट्स पढ़ के खत्म करता हूँ। मिनाल भाई, अगर आप ये वायरस होने की वजह से मर गए तो हमारा क्या होगा, आप नई वीडियोज कौन अपलोड करेगा? मुश्किल नहीं है, नई वीडियोस कोई और अपलोड कर देगा। मैं किसी को बोल के चला जाऊंगा, अपने भाई को बोल दूंगा कि तुम अपलोड कर देना या लोगों को बता देना। वैसे ऐसा नहीं हो रहा यार, ऐसा क्यों होगा? इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें। यू लुक लाइक एन एक्टर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही आई सपोज, फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट। और असली में वो जो फेसबुक पे पोस्ट आ रहे थे ना कि लोग लाउड म्यूजिक में अपने घर पे गाने बजा रहे हैं क्योंकि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, टू बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, ये अभी हर घर से वही गाने बज रहे हैं, जैसी रात शाम होती है वो गाने लोग बजाना शुरू कर देते हैं। दिस इज द इटालियन कर्फ्यू लाइफ।